नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात कर रहे हैं जो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक मीन राशि में होता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के घटक क्या हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। उत्तरा भाद्रपद राशि चक्र का 26वां नक्षत्र है जो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है और यह नक्षत्र पूरी तरह से मीन राशि में निवास करता है। इस नक्षत्र में 2 तारे हैं और पूर्वा भाद्रपद में भी 2 तारे थे। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये 4 तारे हो जाते हैं और ये 4 तारे पलंग के 4 पायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उत्तरा भाद्रपद के तारे युग्म अर्थात जुड़वा के प्रतीक भी हैं और इनका नंबर है 2। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह है जबकि इस नक्षत्र का स्वामी वो शनि ग्रह है और इस नक्षत्र का स्वामी देवता है अहीर बुधन्या जो गहरे समुद्र का विकराल जीव है। इस नक्षत्र मंडल की मूल प्रेरणा काम है, सत्व अर्थात सामान्य जस प्राथमिक और द्वितीय स्तर पर कार्यरत है लेकिन तृतीय स्तर पर यहाँ पर तमस अर्थात अकर्मण्यता का प्रभाव पूरी तरह से व्याप्त। नक्षत्र की पौराणिक कथा और इसका आकार। नक्षत्रों के स्वामी देवता सृष्टि के आरंभ से ही इनका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका निर्वाह भी ये करते हैं। अलग अलग नक्षत्रों की ब्रह्मांड और सृष्टि के निर्माण में विशिष्ट भूमिका रही है क्योंकि यह अलग अलग कोणों और चरणों में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और यह ब्रह्मांड के निर्माण में इनका बड़ा महत्व भी है। इस अहीर बुधन्या के मामले में गहरे समुद्र का एक जीव अहिर्वृत से जुड़ा है जो आदिम अज्ञान का एक जीव है और आदिम काल के अंधकार को अपने भीतर छुपाए हुए था। इन्हें अस्तित्व के 2 सिद्धांतों के रूप में भी माना जाता है, जैसे प्रकाश और अंधकार, गर्मी और सर्दी। अज एक पाद और अहिर बुधन्या इन्हीं पर जोर देते हैं। ब्रह्मांड का सृजन शाश्वत संघर्ष के इन्हीं 2 मूलभूत सिद्धांतों पर निर्भर है। वे अग्नि और जल के स्वामी हैं, गर्मी और सर्दी अग्नि और सोम के ही रूप में प्रकट होते हैं। इन्हें प्राथमिक 2 रुद्रों के नाम से भी जाना जाता है जो भगवान शिव के ही अवतार हैं। ये दोनों रुद्र उत्तरा और पूर्वा भाद्रपद के बीच एक एकता दिखाते हैं या एकता जोड़ते हैं और यही जो एकता है वो पलंग के 4 पायों में प्रदर्शित की गई है। मीन राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं जबकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। जहाँ तक बृहस्पति और शनि के चरित्र और प्रवृत्तियों का संबंध है उनमें जमीन आसमान का अंतर है। दयालु ग्रह होने के कारण बृहस्पति व्यक्ति और आत्मा दोनों के विकास में विश्वास रखता है। शनि बृहस्पति के ठीक विपरीत है। शनि मानता है कि आध्यात्मिक विकास की यात्रा में बाधाओं को तो पार करना ही पड़ेगा, कटौतियों और दबाव को झेलना पड़ेगा, संघर्ष के बेहद गंभीर दौर से गुजरना पड़ेगा और यह एक आवश्यकता है हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए। मूलतः शनि है तो एक आध्यात्मिक ग्रह लेकिन यह आध्यात्मिकता के व्यवहारिक पक्ष में विश्वास रखता है। इसका विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति तब तक परम तत्व के साथ एकाकार हो ही नहीं सकता जब तक कि वह तपश्चर्या और मितव्ययता का मार्ग ना अपना ले और उसे मानवता के प्रति या मानवता की बहुत गहरी समझ उसमें होना चाहिए। जब तक ये पैदा नहीं हो जाती तब तक वो संभव नहीं है। व्यक्ति उन 2 ध्रुवों के मध्य घूमता रहता है
जो इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, और अगर वह इस द्वंद्व में फंस जाए तो उसको बहुत मुश्किल होती है, और जब वो द्वंद्व को पार कर लेता है, कामयाब हो जाता है, तो एक लंबी छलांग लगाकर परमात्मा के साथ एकाकार भी उसका हो सकता। इस नक्षत्र मंडल के देवता का गहन अर्थ है अभी जो एक सांप है, विकराल जीव है और अंधकार का जीवंत रूप है, और इसी अंधकार के कारण व्यक्ति इस ग्रह पर कई बार जन्म लेता है और अज्ञान में ही डूबा रहता है। भौतिकता या ज्ञान के उस बंधन में इतना गहरा वो अपने को जकड़ लेता है कि कई बार जन्म लेने के बाद भी उसका ये अंधेरा मिटता नहीं है, और यह भी माना जाता है कि अज्ञान का अंधेरा मिटने के बाद ही विवेक का दीपक जलता है, वरना यह संभव नहीं होता। इस नक्षत्र मंडल का प्रतीक एक विकराल जीव है, और हर प्रकार का विवेक इसी नक्षत्र के माध्यम से उसे मिलता है। यह नक्षत्र सृष्टि के सभी रूपों में प्रच्छन्न ज्ञान को या उत्तम ज्ञान को समझने में व्यक्ति को मदद भी करता है। तो हम देखते हैं नक्षत्रों के कई रूप हैं, जहाँ पर एक दिक्कत है वहीं पर वो मददगार भी है। नक्षत्र के गुण और प्रेरक शक्ति। इस नक्षत्र मंडल का मूल और द्वितीय गुण सत्व है, जबकि तृतीय स्तर पर यहाँ हमको तमस अर्थात अकर्मण्यता का प्रभाव पूरी तरह से हावी दिखता है। इस नक्षत्र मंडल का मूल उद्देश्य जो है वो काम है, और इस नक्षत्र का स्वामी जो है वो है शनि ग्रह, जबकि इस राशि का स्वामी बृहस्पति है। अगर हम एनालिसिस करें या विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि शनि और बृहस्पति एक दूसरे के सामने विरोधी हैं कई मामलों में। मूल और द्वितीय स्तर पर तो यहाँ सत्व है अर्थात सामान्य जैसे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इस राशि का स्वामी बृहस्पति है जो दयालु है, सभी प्रकार की जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं वह व्यक्ति को प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर तृतीय स्तर पर टर्शरी लेवल पर जो है वह कर्मण्यता है या तमस है, वो हावी रहता है। इस नक्षत्र का जो मूल उन्मेष है वो काम है, सेक्स है, ऐसा भी कह सकते हैं। इस नक्षत्र मंडल का स्वामी शनि है, इससे यह संकेत मिलता है कि आपको विपरीत स्थितियों में ही काम करना होगा। इस निरंतर संघर्ष के चलते आप कोई निर्णय सकारात्मक नहीं ले पाते, जिसके कारण आपके विकास में बाधा भी आती है, और इन परिस्थितियों में जो अहीर बुधन्या है उसकी भूमिका है, जो देवता स्वरूप एक प्रतिमा है, और विकराल जीव के रूप में बहुत ही विख्यात हो जाती है, क्योंकि सभी प्रकार की प्रतिभाएं इस नक्षत्र मंडल से ही उत्पन्न होती हैं, लेकिन उससे पहले एक आपको अवसाद के दौर से भी गुजरना पड़ता है। उत्तराभाद्रपद शनि बृहस्पति का समन्वय विषम परिस्थितियों में भी आपकी उन्नति में मदद करता है। शनि और बृहस्पति के मध्य, तमस और सत्व के बीच, व अग्नि और जल के मध्य जो प्रतिकूल वातावरण बना रहता है, यह प्रतीक व्यक्ति को दोहरा व्यक्तित्व तो प्रदान करता है, और आपका जो आक्रामक रवैया है उस पर भी आप काबू पा सकते हैं। शनि एक अनुशासन को देता है, यह आपकी भावनाओं पर नियंत्रण करने और आत्मनियंत्रण करने में आपकी मदद करता है। कई बार आप अपने दुख और कष्ट को प्रकट करने की बजाय उसके साथ जीना पसंद करते हैं। ब्रह्मांड के सृजन में दो मूल सिद्धांत हैं, सृजन में ऐसा कह सकते हैं दो मूल सिद्धांत हैं, और उनके स्वामी जो हैं अग्नि और जल, गर्मी और सर्दी। यही कारण है कि विरोधी प्रवृत्तियां सदैव हावी रहती हैं, क्योंकि बृहस्पति और शनि इन दोनों देवताओं की जो प्रकृति है एकदम भिन्न भिन्न है। अंत में बृहस्पति का शासन होता है और आप शांत और स्थिर हो जाते हैं, और आपका आचरण विवेकपूर्ण होने लगता है,
और शनि के कारण जो नकारात्मक आचरण होता है वो पीछे छूट जाता है। इसी कारण आप अपनी सारी ताकत लगाकर शुरू से ही अपने आप को जमाने में लगा देते हैं, एस्टेब्लिश होने में लगा देते हैं, और इसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं और आपके भीतर एक अनंत विश्राम भी है और अपने आप को तैयार रखने में जुटे रहते हैं ताकि आप भौतिक प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो सकें और जो अंदरूनी शांति है उसे आप प्राप्त करें। उसके लिए आप सदैव प्रयत्नशील भी रहते हैं। आप अपनी भावनाओं और आचरण पर एक प्रकार का अनुशासन और अंकुश लगाते हैं और अपने को आत्मनियंत्रण करने की सतत कोशिश करते हैं और आप इस पूरे प्रोसेस में आप दूसरों के प्रति दयालु और उदार हो जाते हैं और प्रसन्नता और निश्चिंतता के साथ उनसे व्यवहार करते हैं ताकि आपके साथ वो निश्चिंत रहें और आप अपने संकल्प पर सदैव दृढ़ रहते हैं और इसी दृढ़ता के साधन कारण एक बौद्ध गम्यता भी आपके भीतर बैठ जाती है और इस पूरे प्रोसेस में आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं और आप में जो एक ज़बरदस्त मानसिक क्षमता है वो सदैव आपकी सहयोग करती रहती है और इसी कारण आप अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति बहुत कटिबद्ध हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें प्रसन्न रखते हैं और उनकी जो भी अपेक्षा है आपसे को उदार तरह से पूर्ण भी करते हैं। अब थोड़ी बात आपकी कमजोरियों की भी हो जाए। आपके व्यक्तित्व का जो अंधेरा पक्ष है वो जुनून और मिजाज है। मिजाज, आप बिना किसी बात के अपने आप में सिमटे रह सकते हैं, आलसी, लापरवाह, गैर जिम्मेदार और मक्कार भी हो सकते हैं। भोग विलास और नशे में डूबे रहने के कारण कभी कभी आपके जीवन में भूचाल भी आ जाता है या आ सकता है। कभी कभी आपकी निर्दयता, क्रूअलिटी आपके लिए खतरनाक हालात पैदा कर सकती है। आपको अपनी इन नकारात्मक प्रवृत्तियों पर काबू पाने की नितांत आवश्यकता है और यह कार्य आप अपने धैर्य और संकल्प के साथ कर सकते हैं। और चूंकि आप में इतने सारे गुण हैं तो ये दो चार अवगुण हैं उनसे आप ज़्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप इन पर नियंत्रण करें तो आपके जो नक्षत्र के देवता हैं, उसके तत्व हैं, वो आपके लिए पूरी तरह से सहायक हैं। हम आजकल नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, नक्षत्र ध्यान की बात कर रहे हैं, नक्षत्र मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। आप जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारे साथ कनेक्ट होना चाहें तो आप हमारे नंबर्स पर कनेक्ट हो सकते हैं और आप भी इस नक्षत्र मेडिटेशन का आनंद ले सकते हैं और अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के यूट्यूब चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।